एक आवश्यक सूचना, अगर आप वैलेंटाइन डे के दिन काओ हग डे मनाने के लिए उत्साहित हैं तो आप उत्साह को शांत कर लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने काओ हग डे मनाने की अपील वापस ले ली है। आज इसका जो सर्कुलर आया है उसमें लिखा गया है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के निर्देश पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने 14 फरवरी को काओ हग डे मनाने का, सेलिब्रेट करने का जो अपील जारी की थी उन्होंने, उसे विड्रॉ किया जा रहा है। और ये जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे हाथ में उसकी प्रति है, ये कॉपी है, इसमें कल हमने आपको ये खबर दिखाई थी और उसमें बताया था कि ऐसा करने के लिए कहा गया, और आज ये प्रति सामने है जिसमें विड्रॉल के बारे में अपील की गई है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने 6 फरवरी को सर्कुलर जारी किया था और ये काओ हग डे मनाने की अपील इसलिए की गई थी क्योंकि पश्चिमी संस्कृति की प्रगति के कारण वैदिक परंपराएं लगभग विलुप्त होने के कगार पर है, और ऐसे में काओ हग डे मनाने की अपील को वापस लेने के फैसले पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इस फैसले से उन गौ प्रेमियों को निराशा हाथ लगी है जिन्होंने कितने उत्साह के साथ काओ हग डे मनाने के फैसले का स्वागत किया था। ये हमने कल डीएनए में आपको दिखाया भी था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि काओ हग डे की अपील ही वापस ले ली गई और इसकी वजह भी बिल्कुल नहीं बताई गई। लेकिन हमने इसको लेकर कुछ अंदाजे लगाए। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर काओ हग डे का मजाक उड़ाने वाले मीम्स देखने के बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड को लगा हो कि काओ हग डे मनाने का फैसला फेयर नहीं है। इस बात की भी बहुत संभावना है कि डीएनए देखने के बाद एनिमल वेलफेयर बोर्ड को एहसास हो गया हो कि काओ हग डे मनाने में कितना रिस्क हो सकता है। वजह चाहे जो भी हो, काओ हग डे मनाने की अपील वापस लेकर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने देश के करोड़ों गौ प्रेमियों की भावनाओं को आहत किया है, जो वैलेंटाइन डे के दिन गाय को गले लगाने की तैयारियों में जुटे हुए थे। और यह खबर उन प्रेमी जोड़ों के लिए भी शॉकिंग है जो काओ हग डे की घोषणा के बाद ये सोचकर खुश हो रहे थे कि हिंदू संस्कृति के ठेकेदार अब उन्हें परेशान नहीं करेंगे। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन हम दिल से चाहते हैं कि जिस देश में गाय को माता कहा जाता है उस देश में गाय का सम्मान होना ही चाहिए। भले ही एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने अपनी अपील वापस ले ली हो, लेकिन जी न्यूज आपसे अपील करता है कि चाहे वैलेंटाइन डे हो या और कोई डे हो, आप जब चाहें गाय को गले लगा सकते हैं, क्योंकि प्यार जताने के लिए हर दिन हर वक्त परफेक्ट होता है और अलग से कोई डे घोषित करने की जरूरत भी नहीं होती है।